नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। सबसे पहले मास्टर स्ट्रोक में नजर 9 खबरों पर जो बड़ी खबरें हैं आज की। मुलाकात होगी 12 जून को सिंगापुर में ट्रंप और किम जोंग की। इंतजार पूरी दुनिया कर रही है क्या होगा विश्व शांति की दिशा में एक बड़ा कदम। ट्वीट के जरिए जानकारी दी ट्रंप ने। मां ज्यादा भारतीय है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हर सवाल का जवाब देते हुए जब इस बात का जिक्र आया कि सोनिया इटालियन है, इस पर बीजेपी लगातार चोट करती है, किसी भी भारतीय से ज्यादा वो भारतीय हैं, राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया। कोलेजियम की बैठक हो, जस्टिस चलमेश्वर ने फिर चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है और कहा है जस्टिस जोसेफ के बारे में निर्णय लेने के लिए कोलेजियम की बैठक हो। चौथी तस्वीर, प्रचार थम गया है कर्नाटक चुनाव का। प्रचार थमने के बाद मतलब है अब 2 दिन बाद यानी 12 तारीख को वोटिंग होगी, उसी दिन हम एग्जिट पोल भी दिखलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट नाराज है, प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं करेंगे तो क्या सड़क चालू नहीं होगी, ये जिक्र है ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे का। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर कल नेपाल जाएंगे और इस कार्यकाल में चौथी बार की ये नेपाल यात्रा है। 3 दिन के पैरोल, बेटे को दूल्हा बनते हुए देखेंगे लेकिन मीडिया से कोई बात की इजाजत नहीं दी गई है लालू को। और तनातनी बड़ी है, मिसाइल तक दागी गई है, जिक्र ईरान और इसराइल का हो रहा है, कल ही परमाणु करार अमेरिका ने तोड़ा और उसके बाद की ये स्थिति है, तनातनी बढ़ गई है। बहरहाल इन स्थितियों के बीच मास्टर स्ट्रोक में आज बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का जिक्र करता है ऑर्डर ऑर्डर, फैसला देता है तो कहता है ऑर्डर ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर ऑर्डर कहने के बावजूद क्या इस देश की स्थिति ऐसी आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अब कोई नहीं मानता है। आज पहली रिपोर्ट इसी पर। इस वक्त ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूँ। एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है, हालांकि कुछ काम अभी बाकी है। इसके बन जाने के बाद यूपी से हरियाणा जाने वाले ट्रकों को दिल्ली से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा, लेकिन एनएचआई इसे इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि पीएम के पास अभी वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का वक्त ही नहीं है तो जनता की गाड़ी कमाई से बना एक्सप्रेसवे खोला भी नहीं जा रहा, और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी। ये कहना पड़ा अगर 31 मई तक प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं कर पाए तो 1 जून से इसे खुला हुआ मान लिया जाए। लेकिन अगर सरकार ने आदेश नहीं माना तो क्या, या कहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की फिक्र होती किसे है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझने के पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। 1986 में मुस्लिम वोट बैंक के मद्देनजर राजीव गांधी शाबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद में पलटने से हिचके नहीं थे क्योंकि बहुमत उनके पास था, और 2018 में दलित वोट बैंक छिटकने के डर से मोदी सरकार SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए मानसून सत्र में अध्यादेश लाने के लिए तैयार खड़ी हो चुकी है। तो सवाल सीधा है, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने में सरकारों को कोई हिचक होती नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब होता क्या है? क्योंकि मुद्दा सिर्फ दलित एक्ट भर का नहीं है। कावेरी मसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फैसला 16 फरवरी को हुआ, योजना तैयार करने के लिए 29 मार्च तक का वक्त दिया गया, लेकिन केंद्र ने फिर 3 महीने का वक्त और मांग लिया, और योजना का मसौदा इसलिए सरकार वक्त पर तैयार नहीं कर पाई क्योंकि प्रधानमंत्री कभी विदेश यात्रा पर तो फिर उसके बाद कर्नाटक चुनाव में प्रचार के लिए व्यस्त हो गए। देश के हर कोने में से कांग्रेस कर्नाटक में भी पक्का अब बच नहीं सकती। दरअसल देश का नया सच तो यही हो चला है कि सरकारें अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती है और आदेश का क्रियान्वयन हो इसकी गारंटी सरकार लेती नहीं। मसलन सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 बार नहीं 4 बार आदेश दिया है, बावजूद उसके आज तक लोकपाल बन नहीं पाया। पुलिस सुधार के लिए 2006 में आदेश दिया लेकिन आज तक कायदे से अमल में लाया नहीं गया। सभी गाड़ियों के शीशों से रंगीन फिल्म हटाने के निर्देश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती रही है।
ट्रक या दूसरे वाहनों में सरिया या पाइप इस तरीके से लादे नहीं जा सकते जो ट्रक से बाहर निकले हुए हों और खतरनाक हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पर बेअसर है। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल बसों को लेकर आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए, किसी ने नहीं माने। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों को ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाते हुए यहां तक कहा लोगों के मौलिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन फिक्र किसे है, ध्वनि प्रदूषण हर जगह जारी है, यह हर कोई जानता है। तेजाब को कुछ चुनिंदा लाइसेंसधारी दुकानों को बेचने का आदेश दें पर कोई मानता ही नहीं। नतीजा सिरफिरे आशिक हर चौथे दिन किसी लड़की पर तेजाब फेंक रहे हैं। बोतल थी उनके हाथ में, पहली बार देखा था। कभी देखा नहीं आपने उनको? कभी कोई बात नहीं हुई? फिर गंगा पर भी तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला आदेश 33 बरस पहले 1985 में दिया था। हुआ कुछ नहीं, सरकारों के ढीले रवैये के बीच सरकारें बदलती चली गई, नए नए प्रधानमंत्री बनते चले गए और अब प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो उन्होंने एक रोडमैप तैयार किया और उस रोडमैप को देखने के बरस पर बाद सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा 100 बरस में गंगा साफ हो नहीं पाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से वैकल्पिक तरीकों की जानकारी मांगी, पर तरीके तो दूर, अब मोदी सरकार के मंत्री नया टारगेट दे रहे। बाद मार्च के बाद एंड ऑफ दिसंबर तक हम ये कोशिश करेंगे कि हम 100% तक जाने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि मई में चुनाव होने वाले हैं। प्रदूषण से जूझते ताजमहल को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश बरसों बरस तक ताक पर रखे गए। हद तो यह है कि कल खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ताज के संरक्षण के लिए आसपास के उद्योग बंद करने का कोर्ट ने तो 1996 में आदेश दिया था, लेकिन आज तक वो आदेश पूरी तरह लागू क्यों नहीं हुआ? तो सोचिए सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है। और ऐसे में नई परेशानी तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में किस जस्टिस की नियुक्ति हो या फिर कौन सा केस किस जस्टिस की अदालत के सामने जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ही उलझे पड़े हैं और बाहर खड़ी सरकार सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा करने से हिचकती नहीं। ये जातिवाद को बढ़ाता है, इस पर मेरी बहुत विनम्र, बहुत गंभीर आपत्ति है। आप एक कानून के विश्लेषण में ऐसा कैसे कह सकते हैं? जिक्र तो इस बात से निकला था कि एक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 जून से मान लिया जाए कि उद्घाटन हो गया। संयोग से केंद्रीय मंत्री दिल्ली में थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सफाई कुछ इस तरीके से दी। जो ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें एक रेलवे का आरओबी था वो इनकम्प्लीट है और अभी वो कम्प्लीट होने के कगार पर है, और इसके कारण प्रधानमंत्री ने तारीख भी दी थी पर हमको कार्यक्रम आगे लेके गए। अब वो पूरा क्लियर हो रहा है और प्रधानमंत्री से तारीख लेकर हम उसको तुरंत शुरू करेंगे। हमने दरअसल संयोग से मंत्री दिल्ली में थे इस बात का जिक्र सिर्फ इसलिए किया क्योंकि 1.5 दर्जन मोदी सरकार के मंत्री कर्नाटक में रोड शो कर रहे थे। नाम जानना चाहेंगे? चलिए नाम दिखाते हैं आपको, एक एक करके स्क्रीन पर आते चला जाएगा। अनंत कुमार संसदीय मंत्री, कर्नाटक में चुनाव प्रचार। प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री, एचआरडी मिनिस्टर, प्रचार में। निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री, प्रचार में। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, प्रचार में। डेवी सदानंद गौड़ा सांख्यिकी मंत्री, प्रचार में। थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री, प्रचार के लिए। संतोष सिंह गंगवार श्रम एवं रोजगार मंत्री, प्रचार में, कर्नाटक प्रचार में। पीयूष गोयल रेल मंत्री, यह भी प्रचार में। सब रोड शो निकाल रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान तेल मंत्री, यह भी चुनाव प्रचार में। सुरेश प्रभु वाणिज्य मंत्री, यह भी प्रचार में। सब कर्नाटक में आज रोड शो निकाल रहे हैं। जितेंद्र सिंह डीओपीटी मंत्री, चुनाव प्रचार में। आरके सिंह ऊर्जा मंत्री, यह भी प्रचार में। डॉक्टर हर्षवर्धन पर्यावरण मंत्री, यह भी प्रचार में। गजन सिंह शेखावत कृषि राज्य मंत्री, यह भी प्रचार में। अनंत हेगड़े कौशल विकास मंत्री, यह भी प्रचार में। कृष्ण पाल गुज्जर सामाजिक न्याय राज्य मंत्री, यह भी प्रचार में। पीपी चौधरी कानून राज्य मंत्री, यह भी चुनाव प्रचार में। शिव प्रताप शुक्ला वित्त राज्य मंत्री हैं, यह भी कर्नाटक के चुनाव प्रचार में आज रोड शो निकालने बैठे थे। तो कल्पना कीजिए कि सरकार कैसे चलती है या चुनाव का मतलब होता क्या है। एक तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, रोड शो निकाल रहे थे कर्नाटक में, तो केंद्रीय मंत्री वहां पर इस तरीके से अपनी बातों को कह रहे थे, रोड शो निकाल रहे थे, अपने काम से मुक्त थे और वहां पर विकास और सुशासन और कांग्रेस मुक्त का जिक्र लगातार किया जा रहा था। बहरहाल प्रचार थम गया है,
अब सब काम पे लौट आएंगे, ये मान लिया जाए, मान के चला जाए। बहरहाल चलिए अब इससे आगे निकलते हैं, और इससे आगे निकलने का मतलब यह है कि हमने शुरू में ऑर्डर ऑर्डर का जब जिक्र किया तो उसकी एक दूसरी तस्वीर दिखलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूर्व मुख्यमंत्रियों के घर खाली बंगले कराए जाएं जो कि आजीवन उनको लखनऊ में दे दिए गए हैं। हर किसी ने ताली पीटी, लेकिन हम आपको बतलाते हैं खेल है क्या और बंगले खाली कराएगा कौन। यूपी के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों, ट्रस्ट और एनजीओ को दिए गए सरकारी बंगले खाली कराए जाएं। साथ ही राज्य सरकार सरकारी बंगलों में रहने वाले लोगों से किराए की बाकी रकम भी वसूल करे और 2 महीने के भीतर बंगला खाली कराए। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है और ये आदेश कोई आज का नहीं है, 2 बरस पुराना है, 1 अगस्त 2016 को। सुप्रीम कोर्ट ने तब यूपी सरकार को फटकार लगाई थी और ये फैसला दिया था, लेकिन यूपी सरकार ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर दी और पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला देने का नियम बना दिया। और नतीजा इसी का हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को फिर दोबारा एक फैसला देना पड़ा, जिसमें उसे कहना पड़ा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम जो आजीवन बंगले कर रखे हैं वो खाली कराए जाएं। और उस फहरिस्त में मुलायम सिंह यादव से लेकर मायावती, राजनाथ सिंह से लेकर अखिलेश यादव और एनडी तिवारी और कल्याण सिंह तक के नाम आज अलग अलग बंगलों पर चस्पा है। और ये लखनऊ के आलीशान बंगले हैं, करोड़ों की संपत्ति वाले बंगले हैं, लेकिन किराए के तौर पर किसी से 5,000 लिया जाता है, किसी से 13,000। तो ऐसे में लोक प्रहरी नाम की एक एनजीओ ने याचिका दी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश एक लिहाज से दोहरा दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो अन्य प्रदेशों में जो ये कुप्रथा लागू करने की योजना हो रही थी उस पर भी इसका असर पड़ेगा। यूपी के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ही। सरकार हमेशा सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है, उसका विधिक परीक्षण कराने के बाद जो भी विधि सम्मत निर्णय होगा हमेशा मुख्यमंत्री जी ने लिया है और इसके बारे में वही विधि सम्मत निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद उसकी समीक्षा करने के बाद लेंगे। पर सवाल सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगलों तक का नहीं है, सवाल तो यह है कि ट्रस्ट के नाम पर भी लखनऊ में कई इमारतों पर कब्जा कई ट्रस्ट का है, कीमत बेहद कम ली जाती है। और हकीकत यही कि ट्रस्ट के नाम पर भी लखनऊ में जो कई सरकारी बंगले हथिया लिए गए हैं वो माननीयों के जरिए ही हैं, जिसका आवंटन रद्द करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2 बरस पहले दिया था। तो ऐसे 1-2 बंगले नहीं बल्कि इनकी संख्या 300 से पार है। जी कल्पना कीजिए, 300 से ज्यादा बंगलों पर कब्जा हुआ है। कुछ खास पर नजर डाल लीजिए, मसलन 4,000 वर्ग मीटर में फैले कांशीराम स्मारक विश्राम ट्रस्ट, 7 बंदरिया बाग पर मौजूद जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट जो कभी अखिलेश यादव का सरकारी घर बनने वाला था, विक्रमादित्य मार्ग पर मौजूद लोहिया ट्रस्ट, मॉल एवेन्यू पर मौजूद लोक बंधु राजनारायण ट्रस्ट, शिक्षक नेता के नाम पर बने महातम राय सेवा ट्रस्ट, वीर बहादुर सिंह जन सेवा संस्थान और कांग्रेसी नेता अम्मार रिजवी की अवध ग्रामीण कृषक सेवा उत्थान समिति जैसे ट्रस्ट, कई बड़े बड़े नाम और भी शामिल हैं। वैसे तो यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी प्रमुख मायावती का सरकारी आवास 13 माल एवेन्यू है, लेकिन इसके बावजूद एक रिहायश उनकी और है, वो है ये बिल्डिंग जिसको कांशीराम स्मारक विश्राम स्थल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका गठन साल 2007 में तब हुआ था जब मायावती की सरकार आई थी और इस दौरान इस ट्रस्ट को गन्ना आयुक्त का दफ्तर तोड़ करके बनाया गया था। ट्रस्ट के नाम पर 4,000 से अधिक वर्ग मीटर जमीन है। और अब जब कोर्ट ने दोबारा फटकार लगाई कि ये किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला दे रखा है तो राज्य संपत्ति विभाग नींद से जागा और अब उसने उन ट्रस्टों को नोटिस भेजने की तैयारी की है जिस पर फैसला 2 बरस पहले आया था और एक वक्त जिनको दोनों हाथों से करोड़ों के सरकारी बंगले कौड़ियों के भाव किराए पर दिए गए थे, अब नोटिस भेजकर कहा जा रहा है खाली करा लेंगे। उमेश पाठक की रिपोर्ट। मुश्किल तो है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वहां की विधानसभा पलट देती है, सरकार के साथ हर कोई खड़ा हो जाता है सत्ता की मलाई खाने के लिए, एक स्थिति है। और सत्ता के लिए या सत्ता फिर से चाहिए या सत्ता हमें चाहिए, इसके लिए कि कर्नाटक में एक लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन आइए, कर्नाटक में जब आप चुनाव प्रचार देखते हैं तो रेड कारपेट दिखाई देती है, उस रेड कारपेट को जब आप उठाते हैं तो
तो सच कुछ और होता है। हमने दोनों स्थिति को पकड़ा है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। उसने आकर के अपनी पार्टी रख दी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। बेटी बचाओ बीजेपी के एमएलए से। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाएगी। जनता जनार्दन हमारा हाईकमांड है। तो हंगामा था, कर्नाटक चुनाव का प्रचार खत्म कर पीएम सीएम मंत्री नेता सभी घर लौट गए। अब वोट पड़ेंगे, फिर कोई जीत जाएगा और फिर किसी अगले राज्य में चुनाव होंगे तो यही शोर यही चेहरे फिर से नजर आएंगे। पर ऐसे शोर भरे दावों में सच हमेशा छुप जाता है। तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देश को चाहे जो भी सपने दिखलाएं, लेकिन सबसे न्यूनतम परिस्थिति यानी शौचालय, उसकी सच्चाई क्या है? पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के दामों की, जहां 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, और दूसरी तस्वीर बेंगलुरु की, जहां चुनाव हो रहे हैं, हाल एक सरीखा। तो पहले बात पहली तस्वीर की। गिनते जाइए नंबर से 1 से लेकर 10 तक, ज्यादा भी गिन सकते हैं। ये बच्चियों की लंबी कतार है, हाथ में खाली लोटा या प्लास्टिक बाल्टी, चेहरे पर शिकन लिए खुले आसमान के नीचे तेज कदमों से ये चली जा रही है, क्योंकि इन्हें शौच के लिए अभी 2 किलोमीटर और चलना है। ये लड़कियां दामोह जिले के मडियादो सरकारी हॉस्टल में रहती हैं। जी, सरकारी हॉस्टल, सही सुना। लेकिन फिर भी शौच के लिए बाहर 2 किलोमीटर दूर इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि हॉस्टल में शौचालय तो है, लेकिन शिवराज के राज में सरकारी हॉस्टल में पानी का इंतजाम नहीं है। तो 2 किलोमीटर दूर एक नाला है, वहीं पानी मिलता है, तो वहीं ये शौच करती हैं, नहाती भी वहीं हैं। और इन सबसे बेफिक्र शिवराज सिंह चौहान, वो तो कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। पानी की व्यवस्था नहीं, हम लोग 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाते हैं। हमारे साथ हमारी छोटी मैम बड़ी मैम दोनों और रसोईयां जाती हैं। पहले हम लोग के यहाँ बोर चलते थे, लेकिन अब बोर भी नहीं चलते हैं और हम लोग रोज 2 किलोमीटर लेके जाते हैं, तो हम लोगों का पढ़ाई का हर्जा भी होता है। तो सुबह सुबह हॉस्टल की वार्डन इन्हें उठाती है, मैदान में इकट्ठा करके शौच कराने ले जाती है, और ये सब कतार में एक साथ चलती है। कोई आगे निकल जाए तो भटक जाएगा, कोई छेड़छाड़ हो जाए तो नजर में आ जाए, क्योंकि डर नाम की कोई चीज तो होती ही है। फिर लड़कियां हैं और इस तरह सुबह सुबह निकलना पड़ता है, तो ये भी सच है। वैसे मैं टैंकर द्वारा प्राप्त करती पानी आ जाता है, लेकिन इस बार शादी होने के कारण इस अप्रैल के माह में टैंकर भी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मुझे लड़कियों को लेके 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है रोज। तो मध्य प्रदेश के सरकारी हॉस्टल का अनूठा सच, जो खुले में शौचमुक्त सरकारी दावों की धज्जियां भी उड़ाता है और त्रासदी भी देता है, यानी शौचमुक्त भारत का सपना हवा हवाई, स्वच्छ भारत मिशन के तमाम दावे हवा हवाई। और सबसे बड़ी बात तो यह कि खुले में शौच करेंगी तो कैसे सुरक्षित रहेंगी बेटियां। ये तस्वीर सरकारी सिस्टम को शर्मसार करती है। हमने तत्काल डीपीसी को बुलाया है, जहां से भी राशि संभव होगी हम देकर के एक नया बोर कराने का तत्काल प्रयास करेंगे, जिससे कि ये समस्या का समाधान तत्काल हो जाए। तो डीएम साहब ने जो कहना था कह दिया, फिर ये तो दामोह है, कोई आधुनिक शहर तो है नहीं। तो चलिए आधुनिक शहर लिए चलते हैं। ये सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु के शौचालय की बदरंग तस्वीर है। यहाँ तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब ना कोई नेता आएगा, ना मंत्री ना संतरी। जी, सीवी रमन विधानसभा क्षेत्र में आने वाले पोलू रमा स्लम के 4,000 लोगों के लिए सिर्फ एक सार्वजनिक शौचालय है, और इस बार यहाँ के लोगों ने इसे ही चुनावी मुद्दा बना लिया है। इस टॉयलेट के अंदर जाते हैं, उसकी हालत दिखाते हैं कि किस प्रकार 4,000 लोग एक टॉयलेट से अपना गुजारा करने के लिए बनाया गया शौचालय, और ये यहाँ इस तरफ, और इसकी हालत आप देखिए किस प्रकार, इतनी खस्ता हालत में ये यहाँ पर है। और यहाँ की जनता ने तय कर लिया है, जो शौचालय बनवाएगा उसी को वोट देंगे। लेकिन सवाल है, वोट तो हर बार देते थे राज्य में सरकार कांग्रेस की, लेकिन उनके अपने सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, पार्षद बीजेपी के, तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में शौचालय नहीं बनता? तो ये लोग क्या करें? बीजेपी वाले कॉर्पोरेटर है और एमपी है और एमएलए भी,
इतना तीन आदमी एक ही जगह में है ने को मेरे को क्या भी काम करता नहीं जी। हाल एक सरीखा है, कहीं कांग्रेस का राज, कहीं बीजेपी का। बेंगलुरु से गणेश ठाकुर के साथ दामो से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के दर्शन आपको करा रहे थे, आज वहां रोड शो करने के लिए देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन पहुंची थी। बहरहाल अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग त्रासदी, और ऐसी त्रासदी अब आपको दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर हो सकता है आप भी सोचें ये कौन से इंसाफ और न्याय के मांगने के दौर में हम पहुंच चुके हैं। ये यूपी है, बलिया, देखिए जरा। इस तस्वीर को देखकर हैरत में ना आइए, ये शख्स पैरों पर गिरकर न्याय की भीख मांग रहा है, पुलिस के पैरों पर गिरकर। तो इसके भीतर कौन सी पीड़ा है? यूपी के बलिया की ये तस्वीर है और पुलिसिया सिस्टम पर तमाचा है, क्योंकि बीते 5 सालों से उसकी लड़की लापता है और कोई खोजता ही नहीं। बार बार ये हर किसी के पैर पड़ता है, क्या करें? थाने के चक्कर लगा लिए, अदालत तक मामला चला गया, लेकिन कोई सुनता क्यों नहीं? अभी मैंने तो वार्न किया है, आपसे केस की भी बात करके आ रहा हूँ। 2013 से गायब है ना, अभी मैं यही तो बात करके आ रहा हूँ। तो बलिया के कोप गांव की गुलशन खातून पिछले 5 बरस से लापता है। बेटी का जिक्र आते ही माँ घर में पड़ी इस चौकी को देखती है, रो पड़ती है। दिमाग एकदम पागल हो गए कि हमारा लड़की हमारी आँख से लग गया, यही चाहते हैं। कितने साल हो गए आपके? 5 साल हो गए। परिवार का कहना है 21 सितंबर 2013 को आखिरी बार उन्होंने अपनी बेटी को इसी चौकी पर बेफिक्री से बैठे देखा था। तभी पड़ोस की एक महिला मीना देवी आई और ढोलक बजाने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गई। थाने पर जो पुलिस देखते हैं, सभी आया हमारे घर पर इंक्वायरी लिए, कहा कि हम जो कर पता नहीं लग रहा है, आप लोग झूठ बोल रहे हो। और 5 बरस बीत गए, 16 साल की गुलशन खातून घर नहीं लौटी। लगातार थानों के चक्कर लगाते लगाते बाप भी थक चुके हैं। जो पुलिस वाला मिलता है पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुकी है। इसीलिए लड़की के चाचा मजबूर होकर एडीजी वाराणसी के पैरों पर गिर पड़े। मुझे मालूम चला कि एडीजी साहब थाना का निरीक्षण करने आ रहे हैं, तो मैंने मेरे मन में आया कि एक बार फिर बेटी के न्याय के लिए गुहार लगाएं। बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर आपकी बेटी आपके सामने होगी, लेकिन सर मुझे उम्मीद नहीं है। तो उम्मीद तोड़ दी जाए, भरोसा छोड़ दिया जाए, शायद फिर इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बीते 5 बरस में राज्य की सत्ता बदल गई, अखिलेश यादव की जगह योगी आदित्यनाथ आ गए। नहीं लौटी तो बेटी घर, और इस तरीके से इंसाफ के लिए पैर पर गिरने की तस्वीर, क्या वाकई इंसाफ की उम्मीद जगा पाएगी? बलिया से अजय भारती की रिपोर्ट। मुश्किल यह है कि इस त्रासदी को एक बार दिखाया जाए या कई बार दिखाया जाए। कई बार दिखाने का मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ व्यस्त थे कर्नाटक में, इधर क्या हो रहा था। हम पहले आपको कुछ लड़कियों से मिलवाते हैं, परेशान है, बागपत की लड़कियां हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड अब काम नहीं करता है, तो क्या होता है, सुनिए। पहले योगी जी बोलते थे कि हम आपके साइड ऐसा करेंगे वो करेंगे, पर कुछ नहीं किया गया। योगी सरकार हमें पहले बोलती थी कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम राहत देंगे इन सब जो आवारागर्दी हो रही है, बाइक पे जो लड़के फिरते हैं उनसे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि और ज्यादा बढ़ता जा रहा है ये सब काम। 2-3 दिन और महीने तक ये सब अच्छे से हुआ, पुलिस ने भी अच्छे से काम किया, लेकिन अब फिर वही पहले की तरह और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो सुधार की उम्मीद पहले जो हुई थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये रोमियो होते कौन है? चलिए एक दूसरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस लड़की ने योगी के नाम खत लिखा है और इंसाफ की गुहार लगाई है और बताया है कौन कौन है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। सेवा में मेरे पिता समान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय, आज मैं मनचलों के कोप से अपने घर में कैद होकर रह गई हूँ। पूरा दिन सहमी रहती हूँ। मनचले मेरे नाम से अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए मेरे घर पर चिट्ठियां फेंक रहे हैं। मेरे परिवार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो अक्षय पुत्र संजय खोखर, विपिन सिंह और आशीष पुत्र सुनील ने मारपीट की। हमने शिकायत की तो बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय खोखर ने पुलिस के साथ मिलकर जबरन समझौता लिखवा लिया। मेरे घर अब भी चिट्ठियां फेंकी जा रही हैं। मेरा मन ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से दुखी है, मन करता है मर जाऊं। आपने कहा था कि बेटियों को सुरक्षा सम्मान देंगे, लेकिन मुझ जैसी आपकी बेटी को न तो सुरक्षा मिल रही है और न ही सम्मान।
एंटी रोमियो टीम भी छपरौली में दिखाई नहीं देती। इंसाफ की गुहार के साथ बेटी बचाओ के नारे लगाने वाली सरकार से ये एक बेटी की ही गुहार है। बागपत के छपरौली कस्बे की लड़की का सीएम योगी के नाम पत्र। लड़की ने मान और सम्मान की रक्षा की गुहार तो लगाई, साथ ही खत के जरिए यूपी की इनकाउंटर पुलिस का सच भी बताया, जो सीएम योगी के ही अधीन है। पर आरोपी अगर बीजेपी अध्यक्ष का बेटा हो, जिला अध्यक्ष का बेटा हो, तो कौन सी पुलिस उसे छू सकती है? तो हुआ यही। तीन लड़के थे, अक्षय कुकर, आशीष, विपिन। अक्षय कुकर जो है ये कौन है? बीजेपी अध्यक्ष का लड़का है। तो अब वो खत भी देख लीजिए जो इलाके के दबंग अलग अलग नामों से लड़की को भेजते हैं, और इन शब्दों को पढ़ने के बाद इस लड़की के परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि लड़की के परिवार ने तो दो आरोपियों को पकड़कर पुलिस को भी सौंप दिया। तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने अपने रसूख के चलते थाने में पीड़ितों से जबरन समझौता करा दिया, फिर मुकदमा दर्ज किया गया तो पीड़िता के परिवार के नाम पर भी कलम लगा दी। और मंचलों की दबंगई देखिए, मुकदमा कायम है, फिर भी दो बार किशोरी के घर चिट्ठी फेंकी गई, जिसके चलते लड़की के भीतर इतना खौफ हो गया कि वह एक सप्ताह से भूखी प्यासी है और घर में ही खुद को उसने कैद कर लिया। ऐसा दिन से हमारे यहाँ पे चिट्ठी आ रही है, इसलिए घबराहट की वजह से मैं बाहर निकल नहीं पा रही हूँ। और इन हालातों से बेफिक्र बीजेपी के जिला अध्यक्ष सारे आरोपों को खारिज करते हैं। कोई मामला नहीं है, हमारे बेटे ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, ना किसी के साथ कोई गाली गलौज किया, उन्होंने जानबूझ के राजनीति से प्रेरित होकर ये मुकदमा कराया है। अब नेताजी ने कह दिया तो फिर पुलिस क्या कर सकती है, सुन लीजिए। पुलिस जल्दी से जल्दी इस केस को वर्कआउट करके उस व्यक्ति को जो इस घटना के पीछे है उसके खिलाफ, जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो सत्ता में आते ही जिन रोमियो के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती दिखी, वही पुलिस नेताजी के बेटे को रोमियो क्यों माने, क्योंकि वो दबंग है। बागपत से राजीव पंडित की रिपोर्ट। हिंदुस्तान की तासीर में शायद बहुत हिंदुस्तान है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ हिंदुस्तान अपने अपने तरीके से जीता है। हमने शुरुआत में बताया था कुर्सी की लड़ाई हो रही है, नेता उसी में मशगूल है, भूल जाते हैं कि जनता किस त्रासदी के साथ है। हमने भी कुर्सी बुलाई क्योंकि एक दूसरे हिंदुस्तान को अब आपको दिखाने जा रहे हैं। यह हिंदुस्तान चकाचौंध का है, अंधेरे में उजाले को देखता हुआ हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान के आसरे जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे भारत को रचा बसा जा रहा है जहां करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं, और इस करोड़ों के खेल में बिजनेस कहते हैं इसे। ये माया जाल है, एक ऐसा माया जाल जिसमें 1,07,000 करोड़ की डील हो गई। देश के भीतर ही नहीं दुनिया में हंगामा मचा है, ये कैसा बाजार है? तो आइए आज इस माया जाल को समझते हैं। सपने हथेली पर हों, पंख लग चुके हों, तो उड़ान कैसी होती है? जिक्र किसका? जिक्र है फ्लिपकार्ट का। दरअसल फ्लिपकार्ट का 10 बरस का सफर कुछ ऐसा ही है। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, साथ में अमित अग्रवाल, तीनों ही अमेजन में नौकरी करते हुए बरस भर के भीतर समझ गए भारत के लोगों का मिजाज घर बैठे खरीद करना है। तो अक्टूबर 2007 में बेंगलुरु के विल्सन गार्डन मोहल्ले में फ्लिपकार्ट वेबसाइट का जन्म हुआ। मकसद किताब खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन जगह बनाना। सचिन ने टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और मार्केटिंग को संभाला, तो बिन्नी ने किताबों की कीमत तय करने और दूसरे ऑपरेशंस का जिम्मा संभाला। तो जून 2009 में $10,00,000 की फंडिंग लेने पर सहमति बनी। अलग अलग जगहों से फंडिंग मिलती चली गई, लोग जुड़ते चले गए, फंड मिला तो सफलता के पैमाने का एहसास हुआ। कैश ऑन डिलीवरी का नया मंत्र कंपनी ने अपनाया और बाजार की शक्ल भारत में बदल गई। फ्लिपकार्ट कंपनी शुरू हुई और 10 बरस के सफर में $6 अरब की कमाई कर ली। तो अमेजन से नौकरी की शुरुआत और 10 बरस बाद अमेजन से बड़ी कंपनी के साझेदार बन जाना, ये वाकई सपना नहीं अब हकीकत है। यकीनन ये सपना नहीं है, और सपना नहीं का मतलब ये होता है हिंदुस्तान ने भी एक सपना देखा है मोदी दौर में, स्टार्टअप का सपना। उस स्टार्टअप का जिक्र करें, वॉलमार्ट का जिक्र करें, लेकिन उससे पहले हमें लगता है एक जानकारी आपको और चाहिए। कौन सी परिस्थिति है मौजूदा वक्त में, कोई फ्लिपकार्ट जैसा स्टार्टअप खड़ा कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता? तो रिपोर्ट देखिए।
तो साल दर साल फ्लिपकार्ट को वेंचर कैपिटलिस्ट से मिली रकम को गौर से देख लीजिए। साल 2017 में तो फ्लिपकार्ट को 16,819 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई और इतनी रकम मिलने के बावजूद फ्लिपकार्ट के संस्थापक हाल तक दुखड़ा रो रहे थे कि वेंचर फंडिंग हो नहीं रही। तो फ्लिपकार्ट को अगर आज वॉलमार्ट ने 1,00,000 करोड़ से ज्यादा में खरीदा है तो वजह यह भी है कि वेंचर कैपिटलिस्ट ने फ्लिपकार्ट में जमकर पैसा लगाया। और इसका दूसरा पहलू यह है कि सरकार चाहकर भी इतनी रकम किसी स्टार्टअप में लगा नहीं सकती और मोदी सरकार के दौर में बिजनेस का वातावरण ऐसा बना है कि वेंचर कैपिटलिस्ट ने स्टार्टअप में पैसा लगाना ही छोड़ दिया है। पर इकोनॉमी की तरफ ध्यान न देकर मोदी सरकार ने स्टार्टअप को अपने तरीके से खड़ा करना चाहा। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। तो फिर याद कीजिए 2015 में मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की लॉन्चिंग की तो लगा यही सरकार देश में नए स्टार्टअप के लिए माहौल बनाना चाहती है और जिन युवाओं को वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं मिल रहा उनके लिए सरकार अपनी बाहें खोल रही है क्योंकि सरकार ने कहा यही 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा जिससे स्टार्टअप्स को मदद होगी। लेकिन हुआ क्या जरा यह भी समझ लीजिए। पहले बरस सरकार 10,000 करोड़ रुपए में से सिर्फ 5.66 करोड़ ही स्टार्टअप को दे पाई। सितंबर 2017 तक सिर्फ 70 करोड़ रुपए ही स्टार्टअप को मदद दी गई। यानी देश में हजारों स्टार्टअप और रकम सिर्फ 70 करोड़। बंटाधार कैसे हुआ इसे संसदीय समिति की रिपोर्ट ने भी समझा दिया। संसदीय समिति की रिपोर्ट क्या कहती है ये जरूर बताएंगे, लेकिन लौट चलिए दोबारा उस स्थिति को परखने के लिए जहां वॉलमार्ट है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, अलीबाबा है, कौन कौन है इस बाजार में, आइए जरा इसे भी देख लेते हैं। वॉलमार्ट की सालाना रेवेन्यू $500 बिलियन है, अमेजॉन की $178 बिलियन, जबकि वॉलमार्ट का मार्केट कैप महज $242 बिलियन है और अमेजॉन का मार्केट कैप $776 बिलियन और फ्लिपकार्ट के 77% हिस्से को खरीदा गया $1.6 बिलियन में और ई कॉमर्स के क्षेत्र में यह दुनिया की सबसे बड़ी डील है। पर यहीं से एक बड़ा सवाल जन्म लेता है कि क्या भारत सिर्फ एक बाजार भर है जहां से कमाई करने वाली विदेशी कंपनियां होंगी? दुनिया के बाजार में दखल देने की स्थिति में भारतीय कंपनियां आ नहीं पा रही। मार्केट रिसर्च फर्म फॉरेस्टर के मुताबिक पिछले साल $2,100 करोड़ तक ऑनलाइन कारोबार हुआ, यानी तकरीबन 1,42,800 करोड़ रुपए कि भारत में 2026 तक ऑनलाइन कारोबार $200 अरब तक पहुंच जाएगा, यानी अगले 8 बरस में इसमें 9 से 10 गुना तक की बढ़ोतरी होगी। चीनी कंपनी अलीबाबा तो पेटीएम, स्नैपडील, जोमेटो, बिग बास्केट के जरिए भारतीय बाजार पर पहले ही कब्जा कर रही है। तो क्या यकीनन भारतीय स्टार्टअप की यही फितरत हो चली है, कोई लड़का अपनी टेक्नोलॉजी, अपने आइडिया से चीजों को डेवलप करे, उसके बाद दुनिया की कोई कंपनी आए और उसको खरीद कर ले जाए? इस स्थिति में अगर हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान के भीतर सरकार की नीतियां क्या कहती है, खासतौर से उन स्टार्टअप्स को लेकर जिस पर और किसी ने मोहर नहीं लगाई, संसदीय समिति ने मोहर लाकर बताई, आप कुछ भी ऐलान कीजिए फेल हो जाते हैं। तो मोदी सरकार के स्टार्टअप का सच संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखकर बता दिया कि 6 फरवरी 2018 तक डीआईपीपी ने कुल 6,981 नए स्टार्टअप्स चयनित किए। इनमें से सिर्फ 99 स्टार्टअप्स को फंड दिया गया और इसमें से सिर्फ 82 को टैक्स छूट का सर्टिफिकेट दिया गया, जबकि मार्च 2019 तक 1,000 नए स्टार्टअप्स की मदद का लक्ष्य तय किया गया है। इतना ही नहीं, 2017-18 में तो स्टार्टअप इंडिया के प्रचार के लिए 10 करोड़ की रकम रखी गई, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी डीआईपीपी ने सिर्फ 4 करोड़ रुपए ही खर्च किए। यानी स्टार्टअप का ऐलान हुआ पर स्टार्टअप को लेकर सरकार गंभीर दिखी नहीं और इसका असर ये हुआ कि बीते बरस ही 1,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बंद हो गए और इस बरस तो स्टार्टअप और मुश्किल है क्योंकि इनोवेन कैपिटल इंडिया स्टार्टअप आउटलुक रिपोर्ट 2018 कहती है कि 2018 में स्टार्टअप्स को फंड जुटाने में पहले के सालों की तुलना में और मेहनत करनी होगी। ऐसे में सवाल यही है कि मनमोहन सिंह के दौर में फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को विदेशी फंड खूब मिले, मोदी सरकार के दौर में वेंचर कैपिटलिस्ट दूर क्यों भाग गए? बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट उनकी पहुंच में है नहीं, सरकारी दावों की हवा निकल रही है,
और भारत उस स्थिति में है नहीं कि संरक्षणवादी नीतियों के आसरे अपने स्टार्टअप्स को खड़ा और बड़ा करने की मदद करे। यानी जिस स्टार्टअप के आसरे रोजगार पैदा हो सकता है वह खुद अपने भरोसे। और देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि 4.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार है। और देश में पीएम सीएम सब बड़े बड़े सपने दिखाने और पूरा करने का जो माहौल बना रहे हैं, उस माहौल में या तो पकौड़ा तला जाए या फिर पान लगाने की गुमटी खोल ली जाए। बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर कर मेहनत कर कर पकौड़ा ले। चाकरी जरूर घुटते घुटते मतलब प्राइवेट ट्यूशन को से 2000 टका 3000 टका धक्का खाचे और 45 বছর 45-46 বছর পর সে বুঝতে পেরেছে যে আমি যদি 10 বছর আগে পানের দোকানে বসে যেতাম তাহলে আমি আজকের নেই 5000 টাকা মালিক। और पीएम सीएम के इस ख्वाब का सच इतना भी आसान नहीं, क्योंकि पान की गुमटी का स्टार्टअप भी 40 से 50 हजार रुपए खोजता ही है। और मुद्रा लोन का सच यही है कि 91% लोगों को दिए गए मुद्रा लोन का औसत 27 हजार रुपए है। तो मोदी सरकार के दौर में कौन सा स्टार्टअप फलेगा फूलेगा, या फिर मुद्रा लोन के जरिए क्या वाकई कोई दुकान बैठा पाएगा, या फिर उस रकम से खाएगा पिएगा और अगले दिन का इंतजार करेगा, हालात यही है। एक वो दौर था, एक ये दौर है। वो दौर कौन सा था? वो दौर संघ के प्रचारक का दौर था। ये दौर प्रचारक से प्रधानमंत्री बनने का दौर है। एक वो दौर था मनमोहन सिंह का दौर था, एक ये दौर है प्रधानमंत्री मोदी का दौर है। दोनों स्थितियों के बीच समझौता ऐसा हुआ है वॉलमार्ट के साथ फ्लिपकार्ट का, जिसको लेकर हंगामा है, शोर है, लेकिन इस हंगामे और शोर का मतलब कुछ भी नहीं बचता। सियासत बदल चुकी है, दुनिया बदल रही है। इस चकाचौंध में समा जाइए, माया जाल का जाप कीजिए और रिपोर्ट देखिए। स्वदेशी जागरण मंच का यह विरोध ना तो वॉलमार्ट को भारत में घुसने से रोक सकता है, ना ही ऑनलाइन कारोबार के जरिए रिटेल सेक्टर पर पड़ने वाले असर को रोक सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस इकोनॉमी के डगर पर चल निकले हैं और संघ परिवार विदेशी निवेश को लेकर जिस तरह मोदी सरकार के सामने नतमस्तक हो चुका है, उसमें स्वदेशी जागरण मंच जो भी कहे वो सिर्फ कह सकता है। वॉलमार्ट सरीखी कंपनियां भारत के रिटेल सेक्टर में प्रवेश कर जाएंगी तो उससे भारत का उद्योग नष्ट हो जाएगा। वॉलमार्ट इस प्रकार के धंधे में आ गया है, हमारे देश में कोई दुकान बचेगी ही नहीं। यानी दुनिया भर में जो पहचान वॉलमार्ट समेटे हुए है उसका असर रिटेल सेक्टर पर जल्द ही दिखाई देने लगेगा। क्योंकि वॉलमार्ट का इतिहास रहा है कि वो बहुत कम कीमत पर सामान बेचकर छोटे मोटे कारोबारियों को अपने रास्ते से हटा देता है। दुनिया भर के सस्ते माल को भारत में डंप करेगा। चीन का माल वॉलमार्ट के जरिए भारत में कहीं तेजी से घुसेगा। बढ़ती हुई बेरोजगारी, इसके पीछे वॉलमार्ट जैसी कंपनियों का हाथ है कि वॉलमार्ट कंपनियां बाहर से आती हैं और ये अपने विदेशी सामान को बेचती हैं, जिसकी वजह से हमारे स्वदेशी सामान की बिक्री कम होती है। यानी रिटेल सेक्टर से जुड़े 1 करोड़ लोगों पर आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा, ये सिर्फ तत्कालिक संकेत है। और कमाल तो यह है कि संघ परिवार से निकले प्रचारक मोदी के दौर में ये सब हो रहा है। क्योंकि वॉलमार्ट जब मनमोहन सिंह के दौर में भारत में घुसा था तब विदेशी निवेश को लेकर कुछ पाबंदियां थी, तो भारत में वॉलमार्ट के अभी सिर्फ 21 स्टोर ही खुल पाए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।